वॉशिंग होगी, पहले यूज होता है गाड़ी पे डस्ट खत्म करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, नमस्ते, राम राम सभी भाइयों को। हमारा जो ब्लॉग है भाई, वो थंबनेल देख के समझ में आ जाएगा एक्चुअली। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने और मतलब सब ने, मेरा खुद का भी यही था कि मतलब डार्क कलर ले रखा है और मेरे पास सियाज है वो भी डार्क कलर में है, तो उसमें भी मतलब पीपीएफ नहीं हुई थी, तो अब उसमें स्टोन चिपिंग हो गई है सामने ना, उसके जो बोनेट है ना उस पर कई सारे निशान हल्के स्टोन लग कितते हैं ना, उसकी वजह से जो निशान आ जाते हैं व्हाइट सन स्पॉट्स आ गए हैं सारे बोनेट पे। तो यार अपनी गाड़ी में फॉर्चुनर में ऐसा ना हो तो उसके लिए अपन निकल रहे हैं पीपीएफ कराने। और पीपीएफ कराना यार देखो, अगर देख कोई बंदा अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव से भी सोचे और हर तरह से सोचे तो एक तरह से अच्छी चीज है पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ से गाड़ी का प्रोटेक्शन पेंट का रहता है, प्लस उसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है गाड़ी के पेंट की भी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्क्रैचेस हैं, जो बेवजह के स्कफ मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि डार्क कलर है मेरा, ब्लैक कलर है, स्पार्किंग ब्लैक कलर है। इसमें क्या होगा कि मैं अगर एक कपड़ा भी अगर धूल से भरे हुई, अगर धूल गाड़ी पे धूल चढ़ी हुई है और मैं उस पर सूखा कपड़ा ऐसे भी लगा दूं ना, तो उसके भी ऐसे राउंड राउंड गोल गोल निशान से उस पर आ जाएंगे आराम से। तो लगभग एक दो साल में वो निशान इतने ज्यादा हो जाते हैं, इनफैक्ट मेरी जो सियाज है उस पर भी वही चीज हो रखी है, वो नेक्सा ब्लू कलर है, तो वो तो काफी जगह से ऐसे ही हो रखा है, दूर से दिखता है उसमें ऐसे ऐसे निशान मार्क्स होते हैं बेवजह के, जो कपड़ा मारने से होते हैं, और जो वैसे स्क्रैचेस होते हैं हल्के फुल्के वो तो बहुत जल्दी दिखते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका तो नहीं ऐसे वो करूंगा, क्योंकि इसको अच्छे से रखना है, तो और ये चलेगी भी ज्यादा, क्योंकि सियाज ज्यादा लंबे रूट पे चलती नहीं है, तो ये तो भाई पहाड़ों पे भी और हर जगह, तो वहां पे तो चाहिए ही फिर, क्योंकि अगर व्हाइट कलर हो फिर बंदा एक बार को सोच लेता है कि चलो व्हाइट कलर है इतना नहीं दिखता है, लेकिन ब्लैक पे यार दिखता है। तो इसीलिए अपना प्लान बना है आज का कि इस पे पीपीएफ करा ली जाए। तो अब देखिए चलते हैं, दूसरी गाड़ी भी चल रही है पीछे मेरे जो कि है सियाज, क्योंकि इसको छोड़ के आएंगे यार, एक दिन तो लगेगा ही, इसको छोड़ के आना पड़ेगा। बाकी वीडियोस इसकी हम बनाए बनाने वाले हैं ही, आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्या होता है और क्या लगभग एक्सपीरियंस ओवरऑल रहता है, तो वो सारी चीजें आपको मैं शेयर करूंगा आने वाली क्लिप्स में। बाकी अभी तो हम रास्ते में ही है, अभी हम लोग जा रहे हैं सोनीपत के अंदर। सोनीपत में है ये जो डिटेलिंग माफिया जो है अपने निखिल भाई का है, तो उधर हम लोग जा रहे हैं, तो उधर देखिएगा भी वहां चल के देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है, जितना निखिल भाई कितना टाइम लेंगे, वो सारी चीजें जाके वहीं पे डिस्कस होंगी। चलो चलते हैं यार, रास्ते में तो है ही, अब रास्ते का मजा लो थोड़ा सा आप भी, ठीक है। यार मौसम बड़ा सेक्सी हो रहा है, जब भी हम लेके कहीं जाते हैं गाड़ी को सेक्सी हो जाता है मौसम, हर ब्लॉग में मैंने ये बात बोली है, और आज भी देखो कितना अच्छा क्लाउडी सा साफ रास्ते, बढ़िया सड़क, मजा आ रहा है बहुत भाई। इतना प्यार देने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया यार, मतलब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, अब तो शायद 1500 हो गए हैं लगभग, उससे भी ऊपर हो गए हैं, और वॉच आवर्स और पूरे होने हैं बाकी हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद। और ये सब लोग जितने भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए उसको उनको दिल से थैंक यू यार, आप सभी लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसी की वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, या मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ आगे भी और मैं करता रहूंगा ऐसे ही। आप लोग अपना सब अपना भाई हो, सारे भाई हो, सारे सब लोग जितने भी लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं, प्लीज उसको सपोर्ट ऐसे ही करती रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही और कंटेंट निकालता रहूं। और सही में मतलब आई एम स्पीचलेस यार, इतना मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मतलब उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स की हेल्प से मुझे आप लोग सब मिल रहे हो, और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं, नए नए कमेंट्स आ रहे हैं, नई नई चीजें सुनने को मिल रही हैं, मतलब देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, रोज एक नया दिन हो रहा है, नया एक सीख मिल रही है, तो एक बहुत ही अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस जा रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है यार, मतलब लाइफ इसी चीज का नाम है, तो मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। देखो बाकी रास्तों का मजा लो मेरे साथ साथ, सोनीपत वाली ये आपकी वो है। I'm not a big step, but I'm 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 a big step,
रही है द डिटेलिंग माफिया में, सोनीपत में, मुरथल रोड पे आई है। और अब आके मिलते हैं अपने, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया जी। तो ये अपने निखिल भाई हैं जो यहाँ के ओनर हैं, जो इसकी अपनी डिटेलिंग कराने वाले हैं गाड़ी की हमारी। तो भैया इसमें अब आप क्या क्या प्रोसेस रहता है पीपीएफ का, थोड़ा सा बताओगे? अभी तो भैया कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग का है सारा। अच्छा अच्छा, डिटेलिंग होगी सारी। पहले वॉशिंग होगी, फिर ग्लेज होता है गाड़ी पे रफनेस खत्म करने के लिए, फिर आपकी कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी, फिर पॉलिशिंग स्टार्ट होगी, वो पूरा एक दिन का प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट डे एप्लीकेटर आते हैं, फिर वो पीपीएफ का काम स्टार्ट करते हैं। तो मतलब ऑल इन ऑल दो दिन का काम ये मान के चलो कि है, तो उसमें ये लगा लो आप दो दिन में सारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब दो दिन में शाम तक मिलेगी या अगले दिन परसों? दो दिन अभी है कि कल लेट नाइट तक काम चलेगा, तो कल तक पॉसिबल नहीं है डिलीवर करना, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमको डिलीवर। चलो तो मतलब परसों में आए हम जो है सुबह आप स्टोर घूमते ही आ दो। अब ये रेडी मिलेगी ब्लैक पीपीएफ, इस पर हम लोग करा रहे हैं। ये कलर जिस कलर का ये है, इस कलर की हो जाएगी। हल्का सा इसका स्पार्कलिंग ब्लैक कलर है, तो ब्लू ब्लू सी हल्का सा ब्लू शेड अब इसमें देखो लाइट में दिख रहा होगा, ये ब्लू ब्लू सा शेड है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका ये जो फ्रंट का ये है ना, ये वाला ये कवर हो जाए पीपीएफ में। इस पे भैया रैप होता है, रैप हो जाएगा, रैप मेरे पास अवेलेबल हुआ। हाँ हाँ, तो रैप हो जाएगा। पीपीएफ इस पे चलती नहीं है। अच्छा अच्छा, पेंट पार्ट के लिए ही मेन होती है पीपीएफ। तो ग्रिल तो ऐसी रहेगी, ग्रिल पे भी होगा कुछ? नहीं नहीं, ग्रिल पे ऐसी रहेगी, ग्रिल ऐसी रहेगी। चलो तो ओवरऑल यही है अभी तक, देखते हैं भाई अब अगले प्रोसेस जो चालू होगा अब उसकी क्लिप मैं डाल ही दूंगा, तो देखो आगे क्या क्या होता है। तो आज है अपनी गाड़ी की डिलीवरी का दिन और गाड़ी की पीपीएफ रेडी हो चुकी है। और बीच में तुमने देख लिया होगा क्लिप्स मैंने डाल ही दिए थे वर्किंग का, कैसे कैसे क्या क्या इन्होंने करा, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट से वीडियो डाल दिए होते मैंने। तो फाइनली जो लुक है वो अब मैंने भी नहीं देखी एक्चुअली, तो मैंने भी जब काम ही चल रहा था तभी मतलब कुछ शॉर्ट्स लिए थे, तो वही हैं अब फाइनल लुक। तो यार आप लोग मेरे साथ ही देखोगे, वो तो मैंने भी नहीं देखी अभी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है। हल्का सा ना ब्लू ब्लू सा शेड था उसका, हल्का सा मतलब बहुत ही क्लोज से देखो तो। और अब पूरी प्रॉपर जेट ब्लैक हो गई है भाई, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। काफ़ी चिलचिलाती धूप हो रही है, गर्मी बहुत है आज यार। हर बिल ब्लॉग में कहता हूँ मौसम अच्छा है, आज बहुत गर्मी है। लेकिन पहुँचते हैं, लगेगा अपने को थोड़ा सा टाइम अभी,
40 मिनट्स के आसपास लग ही जाएंगे, तो तब तक के लिए चलो। तो फाइनली जो फाइनल लुक है वो तो आपने सिनेमैटिक शॉट्स में देख लिया होगा, कमेंट में देखना यार कैसी लग रही है गाड़ी, कमेंट में ज़रूर बताना। ये है अभी इसका फाइनल लुक, ब्लैक रेड ब्लैक कलर बिल्कुल। ये देखो यार बिल्कुल ही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना यार। हाँ ठीक है ना, ताबड़ तोड़ लग रही है ना गाड़ी, लग रहा है कुछ काम हुआ है। अपना निखिल भाई से मिलते हैं और गाड़ी अपना फाइनली हो तो गया ये काम, बस थोड़ा बहुत अभी हल्का फुल्का सा रहता होगा। तो क्या हाल है सर, गाड़ी फाइनल हो गई? गाड़ी बिल्कुल फाइनल है। हाँ तो फाइनली है भाई, गाड़ी अपनी रेडी है और अब निखिल भाई के पास हम आ गए हैं। अब कह रहे ले जाओ, अपना दो दिन से मेहनत कर रहे थे, ये दिन रात रात भर, कल भी रात को मेरे पास भाई का फोन आया कि भाई रात को काम चल रहा है, तो रात भर इन्होंने काम करा बैठ के दबा के। अब इनके जो वो अलग से आते हैं ना, इनके मतलब करने वाले अलग से आते हैं, हाँ तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने अपना रात भर लग के काम किया इस पर। हालांकि कुछ शॉर्ट्स मेरे पास भी आए थे, मैं भी एक बार बीच में आया था, वो आपने देख लिए होंगे बीच में शॉर्ट्स जो मेकिंग के हैं, जब जिस वक्त ये लग रही थी तो वो शॉर्ट्स आपने देखे होंगे। तो कैसी लग रही है गाड़ी, लुक कैसी है रेड ब्लैक में, और फाइनल लुक आपके सामने मैंने दिखाई दी है। और बाकी निखिल भाई, भाई किसी को भी PPF करानी हो तो निखिल भाई से कांटेक्ट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा भाई का। सोनीपत में है भाई, मुरथल रोड पे अपना एड्रेस है, मुरथल रोड पे है। हाँ तो अपना जितने भी हरियाणा के भाई हैं, इतने आसपास के सारे, और अपने UP वाले भी जितने इधर के हैं बागपत साइड के, कोई भी हो बंदे मुझे कॉन्टैक्ट करें, भाई को कॉन्टैक्ट करें, बढ़िया काम होता है, डिटेलिंग माफिया इनका वो है ही, और कोई भी दिक्कत हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब जो है गाड़ी को लेके घर के लिए निकल चुके हैं, और सिनेमैटिक शॉट देख के बताना कैसी लग रही है गाड़ी, ठीक है। और बाकी तो यही है, आज की वीडियो में तो इतना ही था यार, बाकी अपना घर चली दिए हैं, ये अपनी दूसरी गाड़ी, साथ में अपने इंस्टाग्राम के शॉट्स लेते हुए हम। लुक तो बहुत तगड़ी आ रही है यार, धूप में तो बहुत ही तगड़ी आ रही है, आप लोग बताना ज़रूर, क्योंकि अब ये धूप वाला भी मैंने एक वीडियो है वो भी डाल दिया साथ में, सारी वीडियो देख दाग के एंड में ये बता देना मुझे कि कैसी लुक है। उसका रिव्यू आएगा जब चलेगी थोड़ा टाइम, PPF कैसी चलती है, मतलब कलर PPF होती है, कैसे चलती है, कितना टाइम, वो तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहोगे तो देखते रहोगे सारी चीज़ें, और उसमें कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, और
वीडियोस को प्यार देने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। और आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेशन दे रहा है कि मैं और वीडियोस बनाऊं ऐसे, तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा और तुम्हारे लिए नई नई जानकारियां और नए नए मज़ेदार चीज़ें। और बहुत जल्दी अब ट्रैवल का भी करना स्टार्ट है यार, क्योंकि बहुत दिन हो गए कहीं नहीं गए, गाड़ी जब से लिए कहीं ट्रिप पे नहीं गए हैं, क्योंकि पीपीएफ का ही वेट था कि पीपीएफ हो जाए उसके बाद देखते हैं। तो फाइनली पीपीएफ तो हो गई है, उसके बाद अब करते हैं। आप कमेंट में बताओ कहाँ जाया जाए, आसपास दिल्ली एनसीआर में तो यार कुछ है ही नहीं, बताओ कहाँ का ट्रिप लगाया जाए। सबसे पहले कुछ आइडिया दो यार, सजेस्ट करो कोई बढ़िया जगह एकदम से, मतलब कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं जाना मुझे, थोड़ा ही एक दो दिन के लिए, तो पास में कुछ हो या जैसे भी तुम्हें सही लगे बताओ यार, ज़रूर बताना। और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही प्यार बना के रखो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।